अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख जवाहर रजा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हमदो सना है रब्बुल इज्जत की, दुरूद व सलाम मुहम्मद व आले मुहम्मद। स्कॉर्पियो वीकली हॉरोस्कोप 3rd to 9th April, आपका हफ्ता कैसा गुजरेगा? स्कॉर्पियंस, उम्मीद करता हूँ बफजल ताला आप खैरियत से होंगे, और इस हफ्ते में बहुत बड़ी बड़ी खबरें आपके लिए मौजूद हैं, और सारी खबरें ही आपके लिए बड़ी अच्छी इंशाल्लाह साबित होंगी। स्पेशली जो बिल्कुल इब्तदा है इस हफ्ते की, 3 अप्रैल को कमर जो है उसको शर्फ होगा, और ये शर्फ आपके जायचे के 7वें घर में होगा। रिलेशनशिप के लिए बड़ा ही आइडियल टाइम इंशाल्लाह आपको परवरदिगार की तरफ से मिल रहा है। आपके रिलेशनशिप में बेहतरी आएगी, और स्पाउस के साथ रिलेशनशिप स्पेशली आपके बेहतर होंगे। अगर आप वर्किंग में जो है पार्टनरशिप के साथ चल रहे हैं तो वहाँ पे भी आपका रिलेशनशिप बेहतर मिलेगा। स्पिरिचुअलिटी की तरफ तवज्जो रहेगी, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी का मौका मिलेगा। हायर एजुकेशन स्पेशलाइजेशन कोई करना चाहते हैं उसके लिए मिलेगा। आप स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जो है वो मूव ऑन होंगे, एंड मुमकिन है कि आप अपने स्पाउस के साथ मिलकर कुछ जो है वो मामलात में तब्दीली लेके आए अपने रोज़मर्रा के मामलात में। वैसे भी माह मुबारक है, ये उसका बिल्कुल पहला ही बिल्कुल पहला अशरा है, बिल्कुल स्टार्टअप होगा। बल्कि इस माह मुबारक में तो आपको 2 मरतबा ये मौका मिलेगा, शर्फ़ कमर जो है वो आपको मिलेगा। आपकी सहूलत के लिए कुछ ख़ास आमाल जो हैं वो ऑलरेडी ड्रॉप कर दिए गए हैं, शर्फ़ कमर की सूरत में आपको जो है वो दे दिए गए। बल्कि इस बार तो हमारे चैनल से आपके लिए रमज़ानुल मुबारक के हवाले से फजीलत रमज़ान के नाम से एक वीडियो ऑलरेडी रिलीज़ की जा रही है, वो भी इंशाल्लाह आपको माह रमज़ान से पहले ही मिल जाएगी। कोशिश करूँगा इसी तरह कुछ स्पिरिचुअल मामलात, कुछ डिस्कशन जो है वो आपके साथ हमारी तमाम महीने जारी और सारी रहे, तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा टाइम होगा। वीज़ा वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए भी सुसाली बहन भाइयों के साथ रिलेशनशिप में भी आपको इंशाल्लाह बेहतरी मिलेगी, अच्छा टाइम गुजारने का आपको मौका मिलेगा। और मैं ये समझता हूँ कि आपकी जहानत में भी इजाफा होगा, और मेन स्पिरिचुअलिटी में आप कल भी सुकून महसूस करेंगे और आगे की तरफ मूव ऑन जो है वो हो सकेंगे। 5 अप्रैल को वीनस जो कि आपके जायचे के 4th घर में मौजूद था, ये निकल के आपके जायचे के 5वें घर में आ जाएगा। 5वें घर में वीनस का आना मतलब आपके लिए कशाइश और राहत के दरवाजे जो है वो खुल रहे हैं। ये आपका सबकॉन्शियस माइंड भी है, आप जो है वो सब लाशोरी तौर पे भी बहुत सारा नॉलेज गेन करेंगे। बच्चों के साथ रिलेशनशिप आपका बेहतर होगा, एजुकेशन सेक्टर में बेहतरी मिलेगी स्कॉर्पियंस को, स्पेशली वो स्कॉर्पियंस बच्चे जो के 12 से 14 के दरमियान की एजुकेशन ले रहे हैं वो आपको मिलेगी। करेज मिलेगी आपको, स्ट्रेंथ मिलेगी, बहुत सारा कुछ करने की तरफ आप जो है वो माइल होंगे। डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज आप ले सकेंगे। ऑलरेडी जुपिटर यहाँ पे मौजूद है 5वें का लॉर्ड होते हुए वीनस भी यहाँ पे शर्फियाब हो रहा है, इट्स मीन के आपको बड़े फवायद का असूल जो मिल सकेगा। दीनी भी दुनियावी भी दोनों चीजें आपकी जो है वो कवर होती हुई नजर आती हैं। आप अपनी एबिलिटीज को भरपूर तरीके से इजहार करके न्यू क्रिएशन की तरफ जो है वो मूव ऑन होंगे। मिजाज में बहुत अच्छी और खूबसूरती जो है वो आपके जारी रहेगी। सम टाइम पे जो थोड़ा सा मार्स के 4th में होने से जो टाइट पोजीशन है वो इंशाल्लाह ये समझ ले कि आपको उसको अपनी टेंशन को रिलीज करने का मौका जो है वो मिलता चला जाएगा। आपकी लव लाइफ में भी बहुत अच्छे चेंज आएंगे, आपकी मंगनी तय पाने के इम्कान बहुत ज़्यादा रोशन हो जाएंगे। बल्कि चूंकि ये 7वें घर का हाकिम है तो मैं ये कहूँगा कि ये चट मंगनी और पट शादी वाली कहानी भी जो है वो बिल्कुल बन सकती है। उसके साथ साथ अगर आप ऑलरेडी जो है वो अकद में हैं, आप एंगेज्ड हैं ऑलरेडी, तो आपका रिलेशनशिप अपने स्पाउस के साथ बहुत ज़बरदस्त रहता हुआ नज़र आता है। आप ये समझ लीजिए कि आप एक बार फिर एक पिछले दौर में चले जाएंगे और आपके लिए मामला बड़े अच्छे होंगे। जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने सिखाने का मौका मिलेगा वहीं पे डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज आप ले सकेंगे, और स्पेशली वो लोग जो इंटीरियर के से काम करते हैं कर रहे हैं, या जो लोग डेली बेसिस पे कोई मामलात को देखते हैं, रिलेशनशिप के मामलात को देखते हैं पब्लिक रिलेशन में, उन्हें बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियाँ इंशाल्लाह मिल सकेंगी। सो ये आपके लिए टाइम इंशाल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त रहेगा। 8 अप्रैल को शर्फ शम्स होगा जो कि आपके जायचे के 6ठे घर में हो रहा है। 6ठे घर में इसके होने से आपकी जहाँ पर सेहत में बेहतरी आएगी, आपकी मुलाजमत में बेहतरी आएगी, आपके करियर रोज़गार में बेहतरी आएगी। वो स्कॉर्पियन जो किसी भी वजह से जॉबलेस थे उन्हें एक बेहतर जॉब का सुल जो है वो मुमकिन हो सका। और अगर आप चूंकि आपके 10th का लॉर्ड है, अगर आप ऑलरेडी वहीं पे थे तो आपको तरक्की मिल सकती है, आपके लिए मामला बेहतर होंगे। अगर आप एम्प्लॉय खुद नहीं है तो आप अपनी फर्म के लिए, अपनी शॉप के लिए, अपनी फैक्ट्री के लिए अच्छे एम्प्लॉयज जो है वो ले सकेंगे। लेकिन यहाँ पर यह भी मैं बताता चलूँ
कि कुछ आपको यहाँ पे बैरियर्स भी मिलेंगे, आपके यहाँ पे सन के जो है वो स्ट्रांग होने से आपके जो मुखालफीन हैं, जो ज़ाहरी मुखालफीन हैं, वो भी बॉइल्ड होते चले जाएंगे। स्पेशली उन लोगों को मैं कहूँगा जो कि एम्प्लॉय हैं, आपका सीनियर जहाँ पे आपको अपग्रेड करेगा, वहीं पे आपके लिए कुछ बाउंड्रीज भी मुतय्यन कर दी जाएंगी कि आपने इन बाउंड्रीज के अंदर भी रहना है और आपने यहाँ पे मामलात को आगे भी लेके चलना है, आपने गुफ्तगू भी करनी है, आपने इन हदूद व कयूद का सामना भी करना है। तो ये चीज़ें आपके सामने आएंगी। और इसी तरह जो हमारी खवातीन हैं स्कॉर्पियन की, हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ, हाउस वाइफ हैं, स्पेशली अगर मैं कहूँगा आप कहीं पर भी नहीं जाती तो दसवां घर आपकी मदर इन लॉ का भी है, तो यहाँ पे आपको कुछ मुखालफतों का सामना भी करना पड़ेगा। तो मैं आपको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगा कि आपको जो है वो म्याना रवि के साथ चलना है। आपने चूंकि आपके पास अथॉरिटीज अगर नहीं है तो फिर आपको अबैदा ऑर्डर की तरफ जाना चाहिए ताकि आपके मामला, आपके खानगी माहौल जो है वो किसी भी सूरत भी डिस्टर्ब जो है वो ना हो सके। आप अपनी एनिमीज को बाय फोर्स दबाने में भी कामयाब होंगे, लेकिन यहाँ पे मरकरी भी है, ये भी कहूँगा कि आपको नज़रबद और हसद का सामना भी होगा। माइट के आपके जो कर्ज वाले मामलात हैं उसमें कुछ तब्दीलियाँ हैं, अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं तो उसमें आपको कर्ज मिल सकेगा। यहाँ पे ये जरूर कहूँगा कि मरकरी छठे घर में जो है वो कंबस्ट है, सन के पास आता है, तो नए आइडियाज़ ज़रूर आएंगे, आपके दोस्त अहबाब के साथ भी मामलात बेहतर होंगे, ख्वाहिशात की तकमील भी होगी, लेकिन आपको अपनी गुफ्तगू में जो है वो बेहद एहतियात करने की जरूरत जो है वो मौजूद है। आपके लिए बेहतरीन जेमस्टोन जो है वो कॉरल मरजान है, मरजान पहनिए, अपने हाथ में अगर आप अफोर्ड करते हैं तो ये पहनिए, अगर नहीं तो आप इसके मुतबादल पे सुर्ख हकीक पहनिए। हम अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि क्या ये दोनों एक ही काम करेंगे। देखिए प्रीशियस और सेमी प्रीशियस का जो है फर्क होता है, यानी एक बहुत अच्छा होता है रिजल्ट में, एक कदर कम होता है, होते दोनों एक ही तरह। यह आप इसको ऐसे कह लें कि एक जगह आप बाय एयर जाएंगे तो दूसरा बाय बस जाएंगे। आप कराची जाना चाहते हैं तो बाय बस आपको 18 से 21 घंटे लगेंगे, और अगर आप बाय एयर जाएंगे तो आपका सफर 2 से 2.5 घंटे का है। तो ये फर्क आ जाता है इन स्टोन्स के थोड़ा सा चेंज करने से। बट यहाँ पर यह भी बात है कि अगर आप बाय एयर के फेयर्स को नहीं अफोर्ड करते तो बाय बस जरूर जाए, इसलिए मैं ये जरूर कहूँगा कि आप ये वाला स्टोन इस्तेमाल कर लें या ये वाला कर लें, दोनों आपके लिए। और मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ कि जैसे कि मैं कहता होता हूँ कि ये सब जनरल है, इंडिविजुअल अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं स्टोन रेमिडीज़ या अपने मसाइल या और कोई चीज़, कोई और बात, तो फिर आप हमें जो है वो व्हाट्सअप नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। इस्तकबाल रमज़ान के लिए फजीलत रमज़ान के नाम से एक अलग वीडियो आपको दी जा रही है। हमारे साथ जो है एक मजहबी स्कॉलर प्रोफेसर हसन तरजैदी साहब होंगे, और उम्मीद करता हूँ कि ये सिलसिला आगे भी इंशाल्लाह जारी रहेगा। वीडियो ज़रूर देखिएगा। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।